अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे शीर खुरमे की रेसिपी, जो अक्सर ईद पे घरों में बनाई जाती है। इस बार आप भी ट्राई करें। शीर खुरमे के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बादाम लिए हमने 40 ग्राम, भिगो लिया था हमने 2 घंटे के लिए, फिर हमने छील के इस तरह स्लाइस में कट कर लिया। 40 ग्राम हमने पिस्ते लिए, काजू लिए 40 ग्राम, सेवैया लिए बारीक वाली हमने 1/2 कप, इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिए हमने, 5 अदद छुहारे लिए, छोटे छोटे काट लिए इसको भी। 1/2 कप हमने चीनी ली है। 4 टेबल स्पून हमने देसी घी लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने पिसी हुई इलायची ली है और दूध लिया है हमने 1 लीटर, फुल फैट दूध है ये। आइए शुरू करते हैं। पैन ले लिया हमने, 2 टेबलस्पून घी डालेंगे, 1 काजू डालेंगे, 1 पिस्ते डालेंगे, 1 बादाम डालेंगे और छुहारे। थोड़ी देर हम इसे फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, खुशबू आने लग गई है। अब हम निकाल लेंगे इसे, 2 टेबलस्पून घी और डालेंगे, 1 सेवैया डालेंगे इसमें, 1 इसे भी फ्राई करेंगे हल्का सा, ज़्यादा मत कीजिएगा वरना ये जल जाएंगी। सेवैयाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, 2 मिनट हमने फ्राई की थी, अब इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए हम ड्राई फ्रूट और सेवैयाँ फ्राई कर चुके हैं। अब हम दूध लेंगे, एक अलग से पैन में दूध डालेंगे, 1 लीटर दूध है ये। फुल फ्लेम पे उबाल आने देंगे पहले से। दूध में उबाल आ चुका है, फ्लेम हमने लो कर दिए। अब इसमें चीनी डालेंगे, ज़ाफ़रान डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने फ्राई की थी, तो 15 मिनट से पकाएंगे लो फ्लेम पे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें सेवैयाँ डालेंगे जो हमने फ्राई की थी। इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, 10 मिनट और पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दी, शीर खुरमा तैयार हो चुका है। डिश आउट करके आपको बताते हैं। शीर खुरमा हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। वैसे तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने अपने तरीके से बनाया है, आप भी इसी तरीके से ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।